उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना मझोला क्षेत्र में ससुर ने अपनी पुत्र वधु की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना से मंगलवार को क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस जघन्य घटना से 4 माह की दूधमुही बेटी, मृतका का पति और मायके वाले सकते में हैं। वारदात के 14 घंटे बाद बहू का कत्ल करने की बात स्वीकार करने वाले ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा रही है। मझोला थाना क्षेत्र के डिडोल गांवी निवासी आकाश के मुताबिक उसका विवाह करीब 2 साल पहले भोजपुर थाना क्षेत्र के गोहरपुर गांव में हुआ था। उसकी पत्नी सीमा और उसकी 4 माह की बेटी के अलावा पिता शंकर सोमवार को सुबह घर पर मौजूद थे। इसी बीच आकाश लगभग सुबह 10 बजे किसी काम से सदर तहसील रवाना हो गया। दोपहर बाद पिता ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, बताया कि बहू जीने से गिर गई है, उसे गंभीर चोटें आई हैं, महिला की हालत खराब थी। शंकर ने पुत्र को जल्दी घर आने को कहा। आनन फानन के बीच घर पर पहुंचे तो आकाश को पत्नी मूर्छित हालत में मिली। ग्रामीणों की सलाह पर आकाश अपनी पत्नी सीमा को साथ लेकर एक निजी अस्पताल में ले गए। वहां चिकित्सकों ने विवाहिता को देखते ही मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि मृतका के गले पर चोट के निशान कुछ अलग ही थे, कहानी को बयां कर रहे थे। इस संबंध में पुलिस ने मृतका के ससुर से पूछताछ की। आकाश के मुताबिक वारदात के 14 घंटे बाद उसके पिता ने बहू की हत्या करने की बात कबूल की है। हत्या का कारण पिता ने बहू से समय से खाना ना देने को लेकर तकरार बताया है। हाथापाई के दौरान बहू की गला घोटकर हत्या करने की बात ससुर ने स्वीकार कर ली है। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। आरोपित को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल घटना को लेकर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। कह रहे थे कि और इसे छोड़ दो, दूसरी ब्याह कर देंगे, दहेज का मलाई। किससे होती थी? पापा से। बार बार तंग करते थे मुझे भी और सीमा को भी। अच्छा जी, क्या क्या बोला? वो पहले हुई थी कुछ दिन पहले, ये था। तो आज क्या करते हो? वो कल मैं तहसील चला गया था, मेरे पीछे दोनों पापा थे हमारे और वाइफ थी, दोनों जने घर पर थे ये। उसके बाद में ये घटना हुई। किस तरह से उन्होंने जी? वो यही है, बता रहे थे कि गला घोटा था मैंने, खुद कबूल करा उन्होंने खुद। आपको कब जानकारी? सर मैं 1.5 घंटे के बाद आया, 3 बजे आया था मैं। तो कोई मारपीट या विवाद हुआ उसमें? पहले नहीं है, वो विवाद तो हमें होना चाहिए था, हम खुश रह करते थे। नहीं, मैं आपके पापा में और नहीं, पहले कभी नहीं हुआ। ये हुआ सर, ये मेरा जो है समधी मेरी लड़की को जो है बार बार तंग करता था सर दहेज के पीछे, और मेरे दामाद को भी डांटता था कि ये कम दहेज लाई है, इसे मार दो, निकाल दो घर से, भगा दो घर से। तो ये बात है सर। अब क्या हुआ है? अब उसका जो है सर गला घोटा गया है। कब जानकारी मिली आपको? ये मिली सर कल। कल 3 बजे मिली ना? कल 2 बजे। 2 बजे आप? कल 2 बजे। अच्छा, तो घर में कौन कौन रहता था? इनके घर में मेरी अकेली बेटी थी और उसके ससुर थे। तो उस वक्त हस्बैंड नहीं थे घर पे? नहीं। कहाँ, बाहर गए थे? जी हाँ, बाहर गए थे, वो तहसील गए थे फर्द लेने। अच्छा जी, तो क्या कोई विवाद हुआ था? अब सर मैं तो काफ़ी दूर रहता हूँ, चंडीगढ़ रहता हूँ सर, मुझे इनके घर का ये कोई पता नहीं क्या हुआ, मेरे पीछे क्या नहीं हुआ सर। कितने समय पहले शादी हुई थी ये सर? ये डिडोरी ग्राम में खदाना चौकी जो मझोला थाना के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ पे आज सुबह सूचना मिली कि एक महिला है, उनकी उनके ससुर ने गला दबाकर हत्या कर दी है। मौके पे वहाँ पे पुलिस पहुँची तो उसमें प्रिलिमिनरी जो जांच की गई है उसमें ये पाया गया कि जो उनके ससुर हैं उन्होंने कल उनसे खाना बनाने के लिए कहा था तो उस पर उनका आपस में कुछ झगड़ा हुआ जिस पे ससुर ने गुस्से में आके उनका गला दबा दिया और उनकी हत्या कर दी। अच्छा, पीड़ित परिवार की ओर से कोई तहरीर मिली है पुलिस को? हाँ, जो महिला है उनके परिवार की तरफ से उन्होंने एक तहरीर दी है और उस तहरीर के बेसिस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आरोप लगाए तहरीर में? उसमें जो आरोप लगाए वो ससुर पे लगाए हैं कि वो उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे और इसी कारण से उनकी हत्या कर दी है। अच्छा, पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी की गई है सर इसमें? उनके जो जो ससुर हैं उनको अभी पुलिस हिरासत में लिया गया है और बाकी आगे की कार्रवाई की जाए। अच्छा, पीड़ित परिवार की ओर से कितने लोग आरोपी बनाए गए हैं? उसमें जो तहरीर दी गई है उसमें जो महिला है उसके ससुर को ही आरोपी बनाया है।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।